पारादीप पोर्ट का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कल था। उस कार्यक्रम आप जानते हैं कि बोईता बंधन करके एक हर साल वो कार्यक्रम पूरे इसमें होता है। पारादीप में ये स्पेशल हमारे पोर्ट जो है पारादीप पोर्ट हर साल वो उत्सव मनाते हैं। बहुत लोग इस कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं, छोटे छोटे नाव छोड़ते हैं और पारादीप पोर्ट का एक अलग ऐसा कार्यक्रम होता है। बोईता बंधन यही है कि हमारे पूर्वजों ने जो व्यापार शुरू किया था, ये जो इंडोनेशिया है, बाली है, यहाँ जो पहले जाते थे, यहाँ से अपना जो चीज़ हम वहाँ लेके जाते थे, वहाँ से जो हमको चाहिए वो यहाँ हम लेके आते थे। ऐसा कहते हैं कि हाथी, ज्वेलरी, ये जो सब कुछ है हम लाते थे यहाँ, उनको एग्रीकल्चर गुड्स जो है हमें उनको वहाँ पर, ऐसा बहुत अच्छा व्यापार वहाँ चलता था, सिल्क भी यहाँ से जाता था। वो तो जब बोईता बंधन जो है ये तो व्यापार का एक लेन देन बहुत अच्छी तरह से पहले चलता था और ये जो हमारे लोकल बोर्ड थी, बड़े बड़े शिप्स थे, वो ये करते थे। और उसी दिन जो बोईता बंधन का जो त्यौहार होता है तो उसी जब राजा भी ये जो सब लोग अपने घर के उनकी जो बीबी थी उसको सब उनको हाथ में देती थी, एक अच्छा कलश देती थी, शुभ कलश हाथ में दे के उनको रवाना करती थी और वो अच्छा उनका इसके बाद में फ़ायदा होता था। पोर्ट ने भी इसी दिन को मनाया। कल बड़ा कार्यक्रम होगा, माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी इस कार्यक्रम में आई थी चीफ गेस्ट बन के और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया। और इससे जो पुरानी यादें हैं, सब लोग, हजारों लोग उस कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। कई फिशरमैन से भी राष्ट्रपति जी का डिस्कशन रहा और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो संस्कृति है और व्यापार था तो किस तरह से वो चल रहा था, इसका एक याद वहाँ के लोगों को फिर आए और अपना व्यापार वो फिर शुरू करे, यही तो। और प्राइम मिनिस्टर ने एक घोषणा भी की है, एक यात्रा यहाँ से होगी, पारादीप से एक यात्रा होगी, वहाँ बाली में एक स्पेशल शिप बन रहा है और ये शिप यहाँ से वहाँ जाके फिर ये यादें जो उजागर करने के लिए ये शिप उनको दिया जाएगा, ऐसा और ये काम अभी शुरू है। कहने का मतलब है कि हमारी जो धरोहर है, पूर्वजों ने जो कुछ हमें दिया है, फिर एक बार उसको आगे बढ़ाना ये हम सबका काम है। लोगों ने व्यापार अच्छी तरह से करना, इंडस्ट्री बढ़ाना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, यही सरकार का जो मकसद है वो इसी कार्यक्रम के द्वारा हम करने जा रहे हैं। और मैं बहुत राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने आया और पूरे दिन इस कार्यक्रम में लगाया और लोगों का एक बहुत उत्साह, उनको देखने के लिए चारों तरफ हजारों लोग खड़े हुए थे और उन्हें राष्ट्रपति जी को अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। नहीं, ये करना है, जब पोर्ट बढ़ेंगे तो व्यापार बढ़ेगा और भगवान ने भारत को इतनी बड़ी कोस्टलाइन दी, 7,500 किलोमीटर की कोस्टलाइन दी हुई है और केंद्र सरकार जो पुराने पोर्ट है ये सब पोर्ट रिपेयर करके जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ नहा बनाने के लिए भी सरकार राज्य सरकारों को भी मदद कर रही है। और ये जो स्कीम निकाली है उसमें से हमने सागरमाला स्कीम का नाम है, उस सागरमाला के जरिए अभी हमने 802 प्रोजेक्ट लिए हैं, उसमें से फिशरमैन के लिए जेट्टी, यानी वो फिशिंग का बिजनेस भी बड़ा हो, लोगों को रोजगार मिले, और जो पुरानी जेट्टी है, पोर्ट है छोटे छोटे, उसको रिपेयर करके जहाँ जहाँ नया चाहिए वहाँ नया बना के उसको रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी देने का जो ये प्रकल्प है, उसमें से हमने 802 प्रोजेक्ट में से 250 प्रोजेक्ट अभी पूरे इसमें कोस्टल लाइन में कंप्लीट किए हुए हैं। तो यही है कि अभी रोड पर हम कंजेशन दिखते हैं, यदि सी ट्रांसपोर्ट हो गया, पानी का जब भी ट्रांसपोर्ट हो गया तो निश्चित तौर से पोल्यूशन भी कम होगा, कम खर्चे से हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और हर जगह सभी व्यवस्था होने के बाद सब भी चीप भी होगा और नॉन पॉल्यूटेड ट्रांसपोर्ट के कारण पोल्यूशन भी कम होगा, इसे बहुत से उसके फायदे हैं और सागरमाला के जरिए हम वो कर रहे हैं। ओडिशा गवर्नमेंट ने यदि
प्रपोजल भेजा होगा, कहाँ कहाँ करेगा कि हमें ये सब करने के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन तो राज्य सरकार के हाथ में रहती है, और उन्हें जब ये प्रोजेक्ट उन्होंने देंगे तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार प्रायोरिटी से वो प्रोजेक्ट पूरे करेगी। सर, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? प्रोजेक्ट अभी वो भेज रहे, जितना जो कुछ जहाँ चाहिए वो राज्य सरकार का ही है, उन्होंने केंद्र के साथ प्रोजेक्ट भेजने चाहिए। भेजने के बाद हम कभी दुजाभाव नहीं करते, कौन किसका, ये भारतीय जनता पार्टी का है, अलग पार्टी का सरकार है, विकास तो सभी के लिए, देश के लिए है, और इसीलिए जो जो कुछ प्रोजेक्ट आते हैं वो हम अप्रूव करके देते हैं। सर, टूरिज्म के बारे में थोड़ा सवाल था, उड़ीसा में क्या क्या प्लान है केंद्र सरकार का? जरूर जरूर, हम चाहते हैं भारत एक वर्ल्ड का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और टूरिज्म बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब टूरिज्म बढ़ेगा तभी हमें हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, हमारे युवाओं को बहुत कुछ इसमें से लाभ मिल सकता है। और हम चाहते हैं कि हर जो अभी एक बीच टूरिज्म चलता था, लेकिन हमारे पास भगवान ने इतना कुछ दिया हुआ है, इसको नेचर जो है यही तो लोग देखने आते हैं भारत में, तरह तरह के टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म कर सकते हैं हम, तरह तरह के जो फॉरेस्ट का टूरिज्म है, तरह तरह के टूरिज्म हम यहाँ उसको ये देते हैं, और हमने तय किया है जो पुराने जो हमारे मंदिर है वो भी मंदिर टूरिज्म बन सकते हैं, हमने रामायण का जो रास्ता है वो भी एक टूरिज्म में हम उसका यदि डेवलपमेंट करें तो वो भी बन सकता है, महाभारत के ऊपर जो ये करता है, तो हम लोगों को ये दिखाने के लिए ये सब कर सकते हैं। और इसलिए हमारे दो स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम और एक प्रसाद स्कीम है, जो इसी स्कीम के द्वारा जो राज्य सरकार, हम उसको 100% पैसा देते हैं, कई स्कीम है उसको 60-40 ऐसा है, लेकिन जो राज्य सरकार जब ये सब जमीन दे देगा और प्रपोजल भेजेगा तो हम जल्दी से जल्दी वो अप्रूव करके काम शुरू हो जाते हैं। गए साल के हम 56 प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन स्कीम में लिए थे, वो सब हमने पूरे किए, फिर इस साल के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, और हम जल्दी से जल्दी जो प्रोजेक्ट ले लिया, पहले हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेते थे, 1 करोड़ के 10 करोड़ के तक लेते थे, अभी हमने सोचा कि कहाँ करना है तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट एक बड़ा करना है, बड़ा करने के बाद एक अच्छा एक डेस्टिनेशन बन जाता है, तो अभी इस तरह का हम प्रोजेक्ट, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम ये दोनों स्कीम के अंदर, और आइकॉनिक जो प्लेसेस है जहाँ जहाँ हर पूरे देश में हर स्टेट में एक ऐसा आइकॉनिक जो प्लेसेस है वहाँ हमको हम प्रायोरिटी देके वो प्रोजेक्ट भी पूरे करते हैं। तो केंद्र सरकार तैयार है, राज्य सरकार का सहयोग मिला तो इस तरह से डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ जाएंगे, और आने वाले यानी वो इंटरनेशनल टूरिस्ट हो या लोकल टूरिस्ट हो, उनको निश्चित तौर से हम फैसिलिटी इसी द्वारा करते हैं, और बहुत अच्छा अच्छे तरीके का काम, हमारा बजट भी केंद्र सरकार इस टूरिज्म के बारे इसमें बढ़ाने की है, और बढ़ता भी है, लास्ट ईयर से भी इस साल हमको ज़्यादा पैसा मिला है, अगले साल और ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसे टूरिज़्म डेस्टिनेशन बढ़ेंगे, और जो इंटरनेशनल, इंडिया इज इंटरनेशनल टूरिज्म ये हो गया है, देश हो गया है, और हजार लाखों लोग इसका फायदा लेते हैं। तो स्कीम स्कीम के तहत ओडिशा में कोई टूरिस्ट प्लेस आइडेंटिफाई किया गया है क्या? ये तो राज्य सरकार ने आइडेंटिफाई करके भेजा है, अभी कितने भेजे हैं मेरी अभी डिटेल पता नहीं है, लेकिन जो अपेक्षित आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है ओडिशा, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि यदि प्रोजेक्ट आते थे तो हमें पता था कि हम सेंक्शन करते, लेकिन राज्य सरकार ने, मैं अपील करता हूँ राज्य सरकार को, जो कुछ उनका प्रोजेक्ट है वो भेज दीजिए, हम निश्चित तौर से उसके उसका अप्रूवल दे देंगे। सर, देखा जाए तो ओडिशा में बहुत सारे पोटेंशियल है टूरिज्म को लेकर, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है, क्या इसका पीछे कारण क्या है? डेवलपमेंट निश्चित तौर से होगा कि ये केंद्र सरकार की मदद राज्य सरकार ने लेनी चाहिए, केंद्र सरकार तैयार है मदद करने के लिए। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।